हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस संडे ब्लॉग में। तो बहुत ही संडे स्पेशल होने वाला था हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे थे मॉल आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि संडे को सब लेज़ी हो रखे रहते हैं कि मंडे से वर्क टू बैक होना है। मोस्टली मेरे हस्बैंड लेज़ी हो रखे थे, लेकिन इस बार प्रियांश ने बिल्कुल ठान ली कि मुझे मॉल जाना है, प्लेइंग जोन जाना है। तो मुझे तो ऐसे भी घूमना पसंद है, तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी, ऑन टाइम थे हम लोग, शाम में निकल गए थे। सुबह से ऐसी संडे दिन निकल गया था, पता नहीं चला, सोते खाते ऐसी समय पार हो गया था। और फिर शाम का टाइम बना था हमारा घूमने के लिए, मौसम बिल्कुल साफ था, बारिश का माहौल लग रहा था लेकिन बारिश हो नहीं रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं थी, बाकी सब जगहों के कंपेयर में यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा था। तो हम लोगों ने सबसे पहले फ्यूल डलवाया, क्योंकि वीक भर का फ्यूल हम लोग एक दिन में ही डलवा लेते हैं। संडे को ये मोस्टली ये सब काम होता है हमारा, पूरे वीक का प्रिपरेशन करना रहता है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे, बहुत घर के नियर बाय मॉल ही जा रहे थे, क्योंकि वो बेस्ट मॉल रहता है, अच्छा था, वहाँ बच्चों के लिए प्लेइंग जोन भी रहता है। तो वो प्रिया जाना पहचाना मॉल रहता है। तो यहाँ तो ऐसे बैंगलोर में काफ़ी सारे मॉल है, अगर आप काउंट करने जाओगे तो काउंटिंग कम पड़ जाएगी, इतने सारे मॉल है। तो हम लोगों ने घर के नियर बाय मॉल का सिलेक्शन, फिर सबसे पहले पहुँच गए हम लोग पार्किंग में। तो पार्किंग आज संडे का दिन था, पार्किंग इतनी ज़्यादा फुल थी कि वो एकदम जिधर नज़र दौड़ा रहे थे चारों तरफ फुल फुल था। हस्बैंड ने किसी तरह से एक स्पेस बना के अपनी स्कूटी पार्क की, मैं रहती तो मैं तो नहीं कर पाती इतने सारी स्कूटियों में अपने लिए स्पेस बनाना। उसके बाद फिर हम लोग मॉल में एंट्री लिए और ये ग्राउंड से एंट्री हो रही थी हमारी, तो क्योंकि पार्किंग से डायरेक्ट एंट्री का था। तो यहाँ सबसे पहले एंट्रेंस में हम लोग को दिखता है ना छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए रहते हैं, जिसमें आप लगेगा कि हाँ आप स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन प्राइस बिल्कुल स्ट्रीट वाले नहीं होते हैं, आपको प्राइस काफ़ी ज़्यादा ये सब के मिलेंगे। लेकिन हम लोग आज मेन पर्पस था प्रियांश को गेमिंग जोन में लेके आना, तो हम लोग इधर उधर ना डिस्ट्रैक्ट होते हुए सीधे गेमिंग जोन में घुस गए। और ऐसा यहाँ था कि आपको कॉम्बो में ही लेना है, ऐसा नहीं है कि जिस राइड पे आपको जाना है उसी राइड का पेमेंट करिए, आपको एक कॉम्बो लेना होगा, कार्ड बनवाना होगा। बहुत पैतरा होता है ये आजकल के मॉल्स का ना, बहुत पैतरा होता है। तो हम लोगों ने वैसा ही किया जैसा रूल्स था, तो हम लोगों ने एक कार्ड बनवाया जिसमें ऑलमोस्ट 11 राइड्स थे, जो कि थे कॉस्टिंग अराउंड 1100, मतलब 1100 में आपको 11 राइड्स मिलेंगे और उसकी वैलिडिटी थी 1 मंथ तक। तो ये अच्छा चीज़ था कि मान लीजिए अगर आप एक दिन में उतने राइड्स कवर नहीं कर पाते हैं, तो आप एक महीने के अंदर कभी भी आके ये चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो घर के बगल में था तो ये वर्थ इट था हमारे लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, अगर कवर नहीं भी होगा तो प्रियांश कभी फिर आके एंजॉय कर लेगा। तो यहाँ प्रियांश ने सबसे पहले राइड लिया था, ये वाटर वाला जो बोटिंग टाइप से फीलिंग देता है, बोटिंग वाला था। तो ये 2 राउंड इन्होंने करवाया था और टाइम अप हो गया था प्रियांश का। तो उसके बाद हम लोगों ने प्रियांश को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था, उसके जो मन वो कर सकता था। तो उसने उसके बाद बोटिंग किया, उसके बाद उसने मोटर बाइक राइड किया। तो उसको था पहले से ही कि मुझे मोटर बाइक राइड करना है, तो मोटर बाइक उसने चलाया, मोटर बाइक भी उसने ओके टाइप से चलाया। मुझे लगता है प्रियांश को अभी सीखने की और ज़्यादा ज़रूरत है, अभी बच्चा है, छोटा है, और बाकी प्रो बच्चे भी थे, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे वहाँ पे। तो प्रियांश अच्छा है, ये सबसे थोड़ा सा आइडिया होता है, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में भी अच्छा रहता है, तो हमें भी अच्छा लग रहा था। हम लोग तो बस ऐसे ऑब्जर्व कर रहे थे, हमारे टाइम में ये सब नहीं हुआ करता था। हम लोग आउटडोर गेम खेल के और रातों में भी खेल के खुश रहा करते थे, लेकिन बच्चों के लिए ये सब आजकल ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। तो प्रियांश इंजॉय कर रहा था। उसके बाद उसने यहाँ पे जॉम्बीज़ को हिट करने वाला पानी, वाटर गन था यहाँ पे, और उसे जॉम्बीज़ को हिट करना था, तो वो वाला गेम इसने इंजॉय किया। तो ये भी गेम जब भी आता था, ये बच्चों वाले जब भी मैं अकेले लेके आती थी तो इसे बच्चों वाले झूले पे झूला के इसको लेके चली जाती थी। तो इसको बहुत सैड होता था, क्योंकि इसको ये सब गेम खेलना रहता था लेकिन मैं नहीं खिलवाती थी इसको। तो उसके बाद फिर ये गया यहाँ पे फन स्विंग पे, तो ये प्रियांश का फर्स्ट टाइम था, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि ये कैसा होने वाला है। मुझे लगा नॉर्मल अप एंड डाउन करके स्विंग होगा जैसे नॉर्मल झूला होता है, तो था प्रोसेस वही था, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हाई स्पीड था। जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, प्रियांश के चेहरे की रौनक उड़ गई और वो इतना ज़्यादा डर गया कि मुझे बोलने लगा रुकवा, बहुत क्राई करने लगा था, बहुत रोने लगा था। मुझे भी लगा कि मुझे रुकवाना पड़ेगा, बीच में ये पूरा प्रोसेस वेस्ट हो गया, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसे छोड़ दिया, कंट्रोल करने
दिया, तो वो थोड़ा सा थोड़ी देर पहले रोया, स्टार्टिंग में रोया, उसके बाद नॉर्मल हो गया था, लेकिन उसे ये राइड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर वो गया यहाँ प्लेइंग जोन में, जो उसका फेवरेट होता है, ऑल टाइम फेवरेट होता है, वो बचपन से खेलते आया है, तो उसके लिए हम लोगों ने अलग से पे किया था अराउंड 400। तो उसके बाद फिर हस्बैंड, जब तक वो खेल रहा था, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए था प्रियांश का प्लेइंग जोन, तब तक हस्बैंड ने सोचा कि मैं भी क्रिकेट खेल लेता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने 2 ओवर किए थे, तो 2 ओवर यहाँ पे खेल रहे थे ये, और 1 ओवर का इन्होंने लिया था, और 1 ओवर में इन्हें बनाना था 20 रन, और ये मैच को लूज़ कर चुके थे, अच्छा नहीं खेला था बिल्कुल भी, तो ये भी पैसे वेस्ट। जीत जाते तो थोड़ी ज़्यादा खुशी होती। तो उसके बाद मेरे लिए कुछ नहीं मिल रहा था, मैं तो इधर उधर घूम रही थी, बस यही मेरे लिए एंजॉयमेंट था। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रीट फूड पैक करवाया और फिर बैक टू वर्क, घर आ गए, और खाना कुछ बनाना नहीं था, तो हम लोगों ने बस घर में खाना खाया, बाहर से लाया हुआ। प्रियांश ने बहुत इंजॉय किया, बहुत खुश था आज। उम्मीद करते आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा।